नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। मुख्यमंत्री के नाम खून से लिखा पत्र, नगरपालिका अधिकारी का पुतला फूंका, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन व ज्ञापन। कहते हैं ले मसाले चल पड़े लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। खबर नरसिंहपुर से, जहां जानवरों की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते युवाओं ने मुख्य चौराहे पर नारेबाजी करते हुए स्थानीय नगर पालिका प्रशासन का पुतला दहन किया। बसुवास चौक से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जी हां, पूरा मामला नरसिंहपुर का, जहां कल जिला मुख्यालय पर आवारा पशुओं की तस्करी का विरोध युवाओं ने पूरे जोश और ताकत से किया, जिसके चलते युवाओं ने सुवास पार्क चौराहे पर नगरपालिका सीएमओ का पुतला दहन किया और मानव श्रृंखला के माध्यम से चैन बनाकर मुख्य चौराहे पर चक्का जमा किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखा, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए आवारा जानवरों की तस्करी करने वाले दोषियों के खिलाफ उचित मांग की बात की। लोगों ने, सभी भाइयों ने इसलिए पहने हैं कि ये विरोध का प्रतीक है काला वस्त्र, और आज हम लोगों ने विरोध किया है गऊ तस्करी को लेकर, जिसमें पूरी नगर पालिका लिप्त है और नगर पालिका के वाहनों में भर के जो गऊ वंश हाका गाड़ी में भर के जाते थे, लाल पुल पे छोड़े जाते थे, और अन्य गांव ग्रामीण है वहाँ पे गांव है, तो उधर के लोग गाय को पकड़ के रात में ट्रकों में भर के नागपुर पहुँचाते हैं, ऐसी सूचना हम लोगों को मिली थी, जिसका हम लोगों ने आज विरोध किया है। और पहले भी एक बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके थे पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो ज्ञापन दिया उसमें क्या आश्वासन मिला कलेक्टर सर द्वारा? आज कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि 5-6 दिन में अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, अगर उसमें कार्रवाई होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो आज फिर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे, और आज हम लोगों ने जो किया था इससे बढ़कर करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना रहेगा हम लोगों का। नरसिंहपुर से विवेक पटेल की रिपोर्ट।